नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर और मैं हूं आपके साथ गौतम वशिष्ठ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका विधानसभा में, जहां से हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता विनय मिश्रा जी, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2020 जनवरी के एंडिंग में, फरवरी में जो है चुनाव कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार आती है और किसकी सरकार दिल्ली से जाती है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सत्य खबर में। धन्यवाद सर। किस तरीके की तैयारियां अब आप शुरू कर दी हैं, विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, तैयारी हमारी ओवरऑल चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ द्वारका विधानसभा क्षेत्र में हम लोग तैयारी क्या करें। हम लोग तो यहाँ, मेरे फादर साहब शुरू से यहाँ 3 बार लगातार विधायक रहे, यहीं से सांसद भी बने, तो हम लोग लगातार यहाँ क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर जुड़े हुए हैं और लोगों के साथ हमारे पे यहाँ पर हमारा हर परिवार से पारिवारिक नाता है। तो यहाँ हम लोग कोई तैयारी नहीं करते, तो हमारा घर है और घर में आपको बताना चाहता हूँ कोई तैयारी नहीं करता, बस ये है कि हमारा मेलजोल सब मिलजुल के बात करते हैं और द्वारका विधानसभा की समस्याओं के लिए किस तरीके से निजात पाया जाए उसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। सर, समस्या क्या आपने अभी बात करी, तो इस वक्त द्वारका में सबसे बड़ी समस्या निकल के क्या आ रही है? देखिए, द्वारका सबसे बड़ी समस्या तो अभी ये है कि यहाँ का द्वार जो विधायक जी जो यहाँ के वो अदृश्य हैं। द्वारका देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, द्वारका अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मेल जोल है। यहाँ पे क्या है कि समस्याओं से लोगों को डेली दो चार होना पड़ता है, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और यहाँ पे जो विकास श्री भानुशाह जी करा के गए उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कोई विकास नहीं हुआ और यहाँ लोगों को डेली समस्या दो चार होना पड़ता है, तो यहाँ विधायक जी मिलते नहीं हैं। क्या होता है, जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी है तो यहाँ के लोग हैंड टू माउथ है, डेली जॉब करने वाले हैं, किसी को कोई अपने पेपर साइन कराना है तो उसके लिए विधायक जी मिलते नहीं है, किसी को आधार कार्ड बनवाना तो उसके लिए नहीं मिलते हैं। फिर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की समस्या है, जैसे आप कॉलोनी में घूमेंगे तो कहीं आपको गड्ढे खुदे हुए दिखेंगे, सड़कें जहाँ खुदी हैं वो खुदी हुई रह गई हैं, पानी की पाइपलाइन के लिए जहाँ खोदा गया है वहाँ वैसा ही पड़ा हुआ है, जहाँ आप देखेंगे पार्कों के हालात आप देखें, बारात घर के हालात देखें, आप कहीं भी जाके देखें कोई भी आपको काम नहीं मिलेगा और हर जगह आपको अधूरा काम मिलेगा, छूटा हुआ काम मिलेगा और लोग उसकी वजह से परेशान हैं। आज गलियों में गाड़ियाँ पैदल, आप गाड़ी चलने की बात तो छोड़ दीजिए, बाइक और पैदल से नहीं चल, पैदल नहीं चल सकता आदमी, तो आप देखें समस्याओं का अंबार बन चुका है द्वारका विधानसभा। जी बिल्कुल, आपने भी गिना दी है बहुत सारी समस्या बता दी है, तो विपक्षी दल होने के नाते क्या आपने इन समस्याओं को पिछले 5 सालों में उठाया या फिर लोगों का कुछ काम करा पाए हैं? बिल्कुल, देखिए जो पर्सनल हम लोगों से हो सकता है, जो पर्सनल हम लोग हो सकता है वो हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक समस्या की बात है तो मैं आपको कई वीडियोस और कई पिक्चर्स दे सकता हूँ जो हमने समय समय पर इस क्षेत्र में प्रदर्शन किया, जैसे पीछे हमने प्रदर्शन किया था विधायक जी के दफ्तर के सामने और दिल्ली जल बोर्ड के सामने भी हमने किया, और समय समय पर हम लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहे और लोगों को भी जागरूक किया और लोगों ने भी समय समय पर हमारा भरपूर साथ दिया। विनय जी, आपने पानी की बात की है, आम आदमी पार्टी जो है पानी, बिजली, इन सब पे जो है चुनाव लड़ती हैं, लोगों के मन में पानी पानी की रहती है, क्या वाकई पानी सेवा ढंग से मिल रही है या फिर फ्री मिल रही है यहाँ लोगों को? देखिए, जब महाबल मिश्रा जी यहाँ से विधायक थे तो 24 घंटा पानी आता था, अब मैं कल शिवपुरी बैठा हुआ था तो वो लोग कह रहे थे कि सिर्फ 4 घंटा पानी आता है, आप मदनपुरी जाके देखें वहाँ 4-4 दिन से पानी नहीं आ रहा, सागरपुर मेन सागरपुर की बात करें तो वहाँ पानी नहीं आ रहा, PNT ब्लॉक में काला पानी आ रहा है, शिवपुरी गली नंबर 15 में आप जाके देखें काला पानी आ रहा है, बिल्कुल पानी आप देखेंगे सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, तो समस्या है बहुत है। रघुनगर में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पानी नहीं आ रहा है, ऐसे ही आप और भी कॉलोनीज में जाएंगे, आप इंदिरा पार्क चले जाएं वहाँ पे भी पानी जो है कुछ समय के लिए आ रहा है, तो पानी जब हम लोग 24 घंटा दे गए तो 24 घंटा क्यों नहीं दे रहे पानी वो, और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ मिक्स आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं और लोग शिकायत करें तो किसको करें? सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मान लो काला पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, तो लोग किससे जाके शिकायत करें? विधायक जी तो यहाँ आते नहीं, उन्होंने अपने 3-4 लोग यहाँ जो है डिप्यूट कर दिए, लोगों ने वोट विधायक जी को दिया है, उनके सहयोगियों को नहीं दिया, तो लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं को विधायक जी खुद आके सुने, और हमारे विधायक जी पता नहीं यहाँ तो रहते नहीं है, आप लोगों से पूछेंगे वो भी बताएंगे, किसी को उनका घर भी नहीं पता वहाँ का घर है, रात को 9 बजे आते हैं वो भी, हफ्ते में 1-2 दिन रात को 9 बजे आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि रात को 9 बजे के बाद वो करने के आते हैं यहाँ पे, तो ऐसे विधायक हमको मिले हैं तो भगवान ही बचाए ऐसे विधायक से। तो चलिए, भगवान ही बचाए। तो क्या लगता है, अब आप चुनाव लड़ते हैं यदि, तो किन एजेंडों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, पहला तो हमारा एजेंडा होगा कि द्वारका का विधायक लोकल होगा, सबसे बड़ी बात हमारा एजेंडा ये होगा, द्वारका का विधायक जो होगा वो द्वारका का नागरिक होगा, जो द्वारका में जिसकी वोटर आई कार्ड बना होगा वो द्वारका का विधायक बनेगा, ना कि कोई बाहर से आके यहाँ विधायक, क्योंकि द्वारका
क्षेत्र कोई अनाथ क्षेत्र नहीं है। आप बीजेपी से भी देखेंगे तो होर्डिंग बैनर जो यहाँ लग रहे हैं, आप देखेंगे कोई द्वारका सेक्टर 19 में रहते हैं, कोई द्वारका सेक्टर 13 में रहते हैं। द्वारका अनाथ नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे आम आदमी के लोग हों, कोई जनकपुरी रहता है, कोई यहाँ पे जो है नोएडा से आकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो द्वारका अनाथ क्षेत्र नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो द्वारका का मुद्दा होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ के विधायक जी को कि आप क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, तब आपको आपको सच का सच पता चल जाएगा, झूठ का झूठ पता चल जाएगा। आज जो ये जो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो केजरीवाल साहब के नाम पे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक एडवर्टीजमेंट की सरकार चल रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाओ। आपने जा क्या कराया क्षेत्र में, उस पर आप चुनाव लड़के दिखाओ, तो आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और दूध का पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, आप पालम से आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन आप जनता के दिलों पर राज कर नहीं पाया, ऐसा क्या कारण मुख्य था? देखिए, सबसे बड़ा कारण उसका था कि पहली बात तो मेरी तैयारी जो है द्वारका विधानसभा से थी, लेकिन मुझे जो है पालम से चुनाव लड़ाया गया। खैर, पार्टी का जो भी फैसला था वो सर्वमान्य, पार्टी ने जो कहा हमने किया, और मुझे पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाया था तैयारी करने का, मुझे 20-25 दिन चुनाव मिले। लेकिन अब मैं द्वारका चुनाव लड़ रहा हूँ, और इस बार द्वारका चुनाव लड़ेंगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपने कहा कि मेरी पिछले बार द्वारका से तैयारी थी पर पालम से टिकट मिली, अब की बार आप अपनी टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, ये पार्टी का फैसला है, आश्वस्त तो हाईकमान इसका फैसला करेगी। हमारी कोशिश है कि हम द्वारका की सेवा करें। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है अपने फ्री के एजेंडे के साथ लोगों के दिल में राज करी, इन फ्री के एजेंडों में क्या कांग्रेस का ही उभर के आएगी? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं और आम आदमी पार्टी जो है 67 सीटें जीती थी, क्या लगता है आपकी बार? देखिए, पानी का जहाँ तक मुद्दा है तो कई जगह पानी नहीं आ रहा है, तो फ्री तो वहाँ तो हो ही गया, जब पानी नहीं आ रहा तो बिल कहाँ से आएगा, बिल क्या माफ़ होगा। और जहाँ तक बिजली का मुद्दा है, तो आप एक बात देखें, आप घूम के देखें, जो किराएदार हैं, जो रियल नीडी हैं बिजली के, जिनको ज़रूरत है 200 यूनिट जिनको मिलनी चाहिए फ्री, उन तक नहीं पहुंच रहा है। बेचारे किराएदार हैं, उनको तो मिले, उनको आज भी मकान मालिक जो है 6 रुपये यूनिट चार्ज कर रहे हैं। तो जो रियल नीडी हैं उन तक कैसे पहुंचे, वो मेरा प्रयास होगा, वो हमारी पार्टी का प्रयास होगा, और कांग्रेस प्रयास करेगी कि जो सही मायने में जिनको ज़रूरत है, जो BPL वाले लोग हैं, जिनको जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन तक कैसे ये सुविधा पहुंचे, वो हमारा काम होगा। तो क्या लगता है कि जिस आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार BJP 3 बार, आपको क्या लगता है कि अब की बार कांग्रेस कितनी? देखिए, ये जुमलों की पार्टी तो भाजपा और आम आदमी पार्टी जुमलों की पार्टी, हमारी जुमलों की पार्टी नहीं है, हमारी काम करने वाली पार्टी, और हम लोगों ने काम करके प्रूव किया है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और इस बार हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी। आप एक युवा हैं, युवा नेता है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ विशेष करने देंगे? देखिए, युवाओं के लिए मेरे पास बहुत सारे सोच हैं, बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, जो मैं यहाँ बहुत सारे युवाओं से मिलता भी रहता हूँ, बहुत सारे जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत सारे सेमिनार्स में भी जाता रहता हूँ। जो सबसे बड़ी आज अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँ, तो आज लोग अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत परेशान हैं। लोग SSC CGL में आप देखेंगे वैकेंसी, जो पहले कांग्रेस के टाइम में 2-2 लाख 3-3 लाख आती थी, आज वो वैकेंसी 50, 106, 206, 2000 ऐसे वैकेंसी आ रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे हमारे जैसे मैं हमारे बहुत सारे साथी आज जो है बहुत जगह HR मैनेजर्स हैं, HR हेड्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनके लिए यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट का, हम रोज़गार सृजन करने के लिए यहाँ पे कैंप्स लगाएं, बहुत और भी जो कंपनीज हमारे साथ के लोग जो आज कंपनी में कार्यरत हैं उनको बुला के यहाँ पे रोज़गार की हम बात करें। और दूसरा, हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए जाना होता तो जनकपुरी जाना पड़ता, तो मेरी कोशिश होगी किसी न किसी बारात घर में या कहीं ना कहीं कोई जगह मैं चिन्हित कराऊँ दिल्ली सरकार के, जहाँ पे उनके लिए एक अच्छा लाइब्रेरी बने, जहाँ बच्चा के पढ़ सकें। फिर जहाँ खेलकूद की बात मैं करूँ, आज हम लोग खेलकूद की बात करते तो यहाँ नगरवन पार्क एक हुआ करता था, लगभग 28 एकड़ का पार्क है, उसमें से 2.5 एकड़ में बच्चों को खेलने ग्राउंड होता था, बाकी जगह जंगल था। आज वो पार्क बंद हो गया, बच्चे वहाँ खेल नहीं पाते। तो मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि नगरवन पार्क जो है जो बंद हो गया उसको दोबारा खुलवाऊँ, ताकि वहाँ पर ग्राउंड पर बच्चे खेलें, और जो यहाँ पर जो फंक्शन होते थे, जैसे बच्चों की शादी होती थी, सामाजिक कार्यक्रम हो गया, धार्मिक जैसे भागवत कथा या राम कथा उसकी कथा होती थी। हाँ, बिल्कुल 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 ध्यान देंगे उस पर हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता विनय मिश्रा जी, जिन्होंने सत्यवर से खास बातचीत की और बताया कि द्वारका विधानसभा में अगर अब की बार विधायक आएगा तो सिर्फ लोकल ही आएगा, और साथ ही साथ युवाओं के लिए भी नौकरी का प्रावधान कराएंगे, पढ़ने की भी व्यवस्था कराएंगे, और खेल कूद में भी ये आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जब होंगे तो किसकी सरकार अब की बार दिल्ली में आएगी और नहीं। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।